किसी भी जॉब स्टार्ट करने से पहले हम दो बातों पे ध्यान देते हैं। एक तो इनिशियली सैलरी की बात करते हैं और सेकेंड बात करते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ क्या उसका होगा। फ्यूचर ग्रोथ कुछ बातें डिसाइड करती हैं कि आपका फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, यानी कि आपका ग्रोथ आगे आप कितना से कितना कमा सकते हैं। फर्स्ट ग्रोथ ये बात करता है कि आप सबसे पहले आपको लर्निंग फेज में बात करूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होना चाहिए। फ्यूचर में जॉब का डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, उसमें काम ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट होना चाहिए। एक सीए फर्म की मैं बात करूँ तो यहाँ वैरायटी ऑफ वर्क मिल जाते हैं जो कि फ्यूचर स्कोप के लिए अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अपना कंप्लायंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। कंप्लायंस बढ़ने से छोटे छोटे बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेसमैन तो खुद कंप्लायंस कर नहीं पाएंगे तो वो सीए के पास ही जाते हैं कंप्लायंस करवाने के लिए। तो इससे ये होता है कि सीए का स्कोप आगे और बढ़ जाता है और आपका काम और आगे बढ़ जाता है। जैसे कि कंप्लायंस की बात करूँ तो जीएसटी का कंप्लायंस हो गया, आरओसी का कंप्लायंस हो गया और बहुत सारे ऐसे ऐसे कंप्लायंस है जो छोटे छोटे बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करता है। आज के टाइम में लाखों कंपनी बनते हैं, लाखों कंपनी बंद हो रहे हैं। ये सारे कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी लिक्विडेशन तक सारे काम सीए करते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। इनिशियली सैलरी की मैं बात करूँ तो एक सीए फर्म में इनिशियली सैलरी आपको बहुत ही कम मिलता है, बट टाइम ड्यूरेशन आपका सैलरी बढ़ते ही जाएगा। शुरुआती में ये हो सकता है कि आपको सर्वाइवल में दिक्कत हो। सी ऑफिस में सैलरी की मैं बात करूँ तो आपको सैलरी जो है इनिशियली 5 से 10 हज़ार के बीच होता है और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है आपको सैलरी बढ़ता जाएगा। आपको यदि सीए आपको कहीं बाहर भेजता है तो आपको कन्वेंस दिया जाता है। उसके बाद जो है आप यदि किसी ऑडिट पे जाते हैं तो सारा एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, लंच डिनर, सारे कुछ एक्सपेंसेस जो है सीए बर्न करता है। तो इस तरह से आपको फैसिलिटी मिलता है और एक्सपेंसेस, लेकिन आपको मेन जो है लर्निंग पे फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके, यानी कि आप अच्छे से सीख पाएंगे तो फ्यूचर में आपका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा और किसी कंपनी में आप यदि इन्वॉल्व जाते हैं तो उसमें आप अच्छा पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। आपको फाइनेंस का पूरा नॉलेज हो जाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है एक कंपनी में। आप सीए फर्म में काम करते हैं तो आप वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं जितना दिन का आप काम करते हैं। यदि आपको सीए ना दे रहा हो एक्सपीरियंस तो ज़रूर उससे ले, जो कि आप आगे जो है किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे तो वहाँ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा के आप काम कर सकते हैं। आप यदि इंटरव्यू वहाँ देते हैं कंपनी में तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, जो कि आपने सीए फर्म में जो काम किया हुआ है उससे हेल्प मिलेगा। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या इनिशियल सैलरी पे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं।